ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 31। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपति, आपने समस्त दानों में अधिक फल देने वाले कासा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कही पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरेशुते, जो जो उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको कि पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरारणे, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कासे का संपुट बनाकर हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रख कर 7 तंतु से बांध कर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें। यदि संभव हो तो 30 संपुट दें। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गईं। हे नारद, पार्वती 30 कासे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसे निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी नहीं शेष रहा, इसलिए अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए। प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरों की सैया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत ना करें, कभी दूसरे की निंदा नहीं करें, परान को ना खाएं, दूसरे की क्रिया को नहीं करें, षठता त्याग ब्राह्मण को दान दें। धन रहने पर षठता करने वाले रौरक नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन दें। व्रत करने वाला दिन से 4 बजने पर भोजन करें। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रुद्युम्न, सत्युम्न, यौवाश्व और भगीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराध्य कर भगवान के समीप चले गए। इससे समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा वाले
मुरलीधर शोभामान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत को करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक वैश्य धन का मालिक होता है। शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम मास के महात्म श्रवण से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिख कर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिख कर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वह भगवान के श्री चरणों में सेवा में अत्यंत निपुण मुनि वाले विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि वो लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों, हे शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो, तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो, तुम्हारी मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथा अमृत के पान में लीन नैमिसारण में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदीक्षा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिसार में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थ को देने में कल्प वृक्ष है। इति बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 130 अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म्य समाप्त। जय जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे। पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।